हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र चोपड़ा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। काफ़ी टाइम हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी हौसला मिलता है नई नई वीडियो बनाने का। तो आज जो मैं प्रोडक्ट आपके सामने लाया हूँ, ये मिरर पर लगने वाला एक डिवाइस है, जो कि अगर आपकी कार में डबल डिन नहीं लग पाता, वीडियो प्लेयर नहीं लग पाता, तो आप इसको लगाकर अपनी कार में वीडियो का और म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। और अपने ओल्ड सिस्टम के साथ इसका ऑडियो जोड़कर आप इसको अपनी कार में इंस्टॉल करा सकते हैं। तो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है आईबॉक्स का है। अगर आप मुझसे बाई करना चाहें तो आराम से बाई भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड ऑर्डर। कैश ऑन डिलीवरी बनाने में थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं लगता कि कस्टमर पे ना कर सके। ये स्क्रीन है हमारे पास और इसके साथ एक कैमरा है, जिसके बारे में आज थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि स्क्रीन कैसी है और इसका वर्क कैसा है। जैसा कि आप देखेंगे, मैंने इसको ऑन करके रखा हुआ है तो स्क्रीन जो है ऑन है। ओके, तो यहाँ मैंने पावर, अपनी जो पावर कनेक्शन है वो दे रखा है इसके साथ 12 वोल्ट का। तो आप कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो आउटपुट और वीडियो इनपुट दोनों चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर की स्क्रीन की वीडियो भी आप इसमें देख सकते हैं, अपना कैमरा अटैच करके भी, कैमरा अटैच करके भी इसमें कार की पार्किंग व्यू चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर आप म्यूज़िक चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, आप इसके अंदर फ़ोटोज़ इमेजेस देख सकते हैं। यहाँ से आप अपना मेमोरी कार्ड या यूएसबी आप अपना ओपन कर सकते हैं। कार सेटिंग में यहाँ सेटिंग भी है कुछ, और आपके इसके अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन आपको जो मिल रहा है वो है फ़ोन लिंक का। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इसके साथ, यानी कि जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन में चल रहा है वो यहाँ पर डायरेक्ट चलेगा। और सबसे आप ऑक्स इन, ऑडियो इन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फुल टच स्क्रीन में है, इसमें हाफ टच में भी आता है जहाँ पर वो बटन्स काम करते हैं और आप बटनों के थ्रू इसको ऑपरेट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जिसको लेना है वो थोड़े से पैसे और डालकर फुल टच ले तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि कार चलाते समय अगर हमारा हाथ टच के हिसाब से काफ़ी वो रहता है, सहूलियत रहती है कि हम आराम से कहीं जाकर टच करके, वरना अगर हम बटनों के हिसाब से क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहीं से आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा डार्क और कम डार्क भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है सर? तो यहाँ पर आपके देखेंगे इसके साथ एक रिमोट मिल रहा है आपको, ठीक है? काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके दो एक यूएसबी पोर्ट मिल रहा है आपको, एक एसडी कार्ड पोर्ट मिल रहा है, यहाँ से आपको एक बटन मिल रहा है ऑन ऑफ का। तो माइक इसके इनबिल्ट ही होता है, तो यहाँ पर आप देखिए यूएसबी पोर्ट है। हम इस पर एक यूएसबी लगा के थोड़ा सा वीडियो प्ले करके देखेंगे कि कैसा दिखता है, ठीक है? तो मैं इसमें अब एक यूएसबी मैंने ली है, तो मैं इसके अंदर अपनी ये यूएसबी लगाऊंगा और देखेंगे कि हाँ भाई, अब आप देखिए मैंने इसके अंदर अपनी यूएसबी लगा दी है, ठीक है? अब यूएसबी के थ्रू ही ये गाना इसके अंदर प्ले हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक इनबिल्ट माइक होता है, इनबिल्ट माइक होता है। मैं थोड़ी सी आवाज़ कंट्रोल कर लूँ, मेरे हाथ में मोबाइल है ना, इस चक्कर में। अब आप देखिए मैंने यहाँ से इसको आवाज़ को कंट्रोल कर लिया है, तो क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट एक स्पीकर होता है जो कि आपको साउंड सुना तो देता है, लेकिन अगर आपको इसका साउंड अपने स्पीकरों में, कार के स्पीकर में सुनना है, तो नॉर्मली आपको इसको ऑक्स केबल के थ्रू इसको अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, या फिर आप इसके अगर सिस्टम में आउटपुट है पीछे बैक साइड में, तो आप इसको कनेक्ट करके आप इसका ऑडियो अपने सिस्टम में दे सकते हैं। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सामने गाना चल रहा है। हम इसके फोल्डर में चलते हैं, ट्राई करते हैं कुछ वीडियो प्ले करने का। यहाँ पर मूवीज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हम अपने हिसाब से कोई
मूवी प्ले करते हैं और काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है, मूवी भी हर फॉर्मेट आराम से चलाता है। आप देखिए, आवाज़ में इसलिए नहीं खोल रहा कि चलो हमारी वीडियो को कोई रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो। अब यहाँ पर आप इसके फंक्शन देखते हैं, बढ़ा सकते हैं, यहीं से हम सॉन्ग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पुश कर सकते हैं, यहाँ से आगे इसको डबल क्लिक करते हैं तो थोड़ा गाना आगे और चला जाता है। तो ये सारे फंक्शन इसके अंदर हैं, अगर हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके साथ आपको एक कैमरा भी दे रहे हैं, एक नाइट विज़न कैमरा है, इसकी क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है जो कि आपको कार पार्क करने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा कि अगर मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।